नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष, मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। दिन के पहले बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के व्रेमेवका में रूस का हुआ है MLRS से अटैक। यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना की एक यूनिट खत्म हो गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। और उसके बाद कैसे विध्वंस मचा है उसकी तस्वीरें आप सबके सामने हैं। एक के बाद एक जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, हमले भी तेज हो रहे हैं और विध्वंस की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ पुतिन नाटो देशों पर अटैक की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी ओर यूक्रेन के नक्शे पर मौजूद खार्की पुतिन के टारगेट पर है। बीते 100 घंटों से खार्की प्रांत पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि खार्की के करीब 224 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूसी सेना जीत चुकी है और अगले चंद दिनों में पूरे खार्की पर पुतिन ब्रिगेड का कब्जा होगा। अब सवाल यह है कि कीव के बजाय पुतिन का फोकस खार्की पर क्यों शिफ्ट हुआ है? आखिर क्यों खार्की पर रूसी झंडा लहराने के लिए रूसी ब्रिगेड आमादा है? देखिए ये रिपोर्ट। पहले डोनेस्क लुहांस्क को रूस ने जीता, द्वीप का मारियोपोल में रूसी झंडा फहराया। मगर अब पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर हमले और फिर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड का दबदबा कीव पर बढ़ जाएगा। मुमकिन है इसके साथ ही पुतिन धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ऑपरेशन खार्कीव का आगाज कर दिया जिसके तहत बीते कुछ दिनों से खार्कीव में भीषण हमले किए जा रहे थे। मगर 9 मई के बाद से यूक्रेन के खार्कीव प्रांत में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देखकर हर कोई दहल उठा। यकीन मानिए, डबल फ्रंट से रूसी सेना खार्कीव पर विध्वंसक प्रहार कर रही है। ताबड़तोड़ मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रही है जिसका नतीजा यह हुआ है 72 घंटे में खार्कीव का 224 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का कब्जा हुआ। बीते 24 घंटों में यूक्रेनी आर्म फोर्स के करीब 2700 सैनिकों की मौत हुई। इतना ही नहीं, रूस ने खार्कीव के अंदर 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाया। हैरान करने वाली बात यह है कि रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर खार्कीव के उत्तर पूर्वी इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई। जानते हैं, अब तक खार्कीव प्रांत पर रूस की तरफ से हमले ही किए जा रहे थे, मगर पहली बार पुतिन की सेना ने खार्कीव के करीब 224 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया, या कहें उन्हें जीत लिया। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। 7 मई
मई को पुतिन ने पांचवी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इसके ठीक तीन दिन बाद यानी कि 10 मई को खार्किव प्रांत पर कब्जे के लिए रूसी ब्रिगेड ने हमला शुरू कर दिया। आपको बता दें कि खार्किव यूक्रेन का तीसरा बड़ा प्रांत है जो करीब 31,400 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। 10 मई को रूसी सेना ने लुहांस की तरफ से खार्किव पर ताबड़तोड़ अटैक किया और खार्किव के करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। 11 मई को पुतिन की फौज ने खार्किव प्रांत के करीब 105.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर रूसी झंडा फहरा दिया। वहीं 12 मई को एक बार फिर खार्किव के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर हमला करते हुए करीब 78.5 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर अपना कंट्रोल कर लिया। यानी 72 घंटों के भीतर पुतिन ब्रिगेड ने खार्किव वो ब्लास्ट के करीब 224.2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। यकीन मानिए, खार्किव में रूस की ये बढ़त यूक्रेन के लिए महाखतरे का संकेत है। भले ही खार्किव प्रांत के नक्शे पर 224 वर्ग किलोमीटर का इलाका बेहद मामूली दिखाई दे रहा हो, मगर तीन दिनों के भीतर इतने इलाके को जीत लेना कोई मामूली बात नहीं। और जानते हैं ये कैसे संभव हुआ? दरअसल खार्किव कब्जे के लिए रूस ने 50,000 सैनिक उतारे, 30,000 जवानों को फ्रंट लाइन पर हमले के लिए भेजा, वहीं 20,000 जवान सेकेंड लाइन में बैकअप के लिए तैनात किए गए। रूसी डिफेंस ने खार्किव में करीब 400 टैंक तैनात किए, खार्किव पर हमले के लिए 900 आर्टिलरी को भी भेजा। खार्किव फतेह के लिए तो ये रूस की महज छोटी सी तैयारी है, आशंका तो ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द पुतिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में मौजूद पूरे खार्किव प्रांत पर रूसी झंडा लहराना चाहते हैं। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए पुतिन ने 2.5 लाख सैनिकों को यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से पहले पुतिन खार्किव पर कब्जे की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्यों खार्किव के इलाकों को रूसी सेना जीत रही है, प्रचंड तरीके से खार्किव को तहस नहस कर रही है? तो आपको बता दें कि कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव है। इसके अलावा खार्किव रूसी बॉर्डर से सटा इलाका है। खार्किव से रूस बॉर्डर की दूरी महज 40 किलोमीटर है। खार्किव में रूसी मूल के लोगों की तादाद ज्यादा है। यूक्रेन के बड़े एनर्जी संयंत्र खार्किव में मौजूद है। दरअसल वॉर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि पुतिन का मकसद अगले चंद दिनों में खार्किव पर कब्जे का है, क्योंकि खार्किव के रास्ते ही रूसी ब्रिगेड कीव की तरफ कूच करेगी। यानी रूस के लिए सामरिक दृष्टि से खार्किव काफी महत्वपूर्ण है और इसे ही जीतने के साथ पुतिन कीव पर कब्जे की तैयारी करेंगे। और शायद यही वजह है कि अब यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी ये आशंका जता रहे हैं कि किसी भी वक्त खार्किव उनके हाथ से फिसल सकता है। खार्किव में यूक्रेनी सेना सरेंडर करने के कगार पर है। रूसी सेना के आगे यूक्रेनी ब्रिगेड बेबस दिखाई दे रही है। बस इसी आनन-फानन में ज़ेलेंस्की ने खार्किव मोर्चे के कमांडर भी बदले हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का ये दाव कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के कीव पहुंचने से ज़ेलेंस्की को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि खार्किव की सुरक्षा के लिए यूक्रेन पैट्रियट की मांग कर रहा था। ऐसे में क्या अमेरिका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खार्किव में तैनात करेगा? फिलहाल इस पर सस्पेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।